सो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत ज़्यादा बेहतरीन होंगे और आज के इस वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूनिक और स्पेशल होने वाली है, जिसका रीज़न ये है कि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग बिजनेस लोन कैसे ले सकते हो, इन शॉर्ट MSME लोन कैसे ले सकते हो। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जब से यहाँ पे लॉकडाउन और बाकी सारे पैंडेमिक्स के लोगों ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है झेला है उसको फेस किया है, यहाँ पे उनको ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि यहाँ पे सिक्योर तरीका तो कोई है ही नहीं पैसे का, जहाँ पे आपको इनकम सोर्स जो है अच्छे से मिल सकती है। लेकिन इसके बावजूद जो है लोग अपने आपको जॉब में प्रॉपर तरीके से यहाँ पे अपने आपको घसते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ चुकी है उन्हें कि अगर जब इनसिक्योर मेथड से ही काम करना है तो क्यों ना खुद का कुछ काम किया जाए, सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाए या फिर बिजनेस कर लिया फिर एंटरप्रेन्योरशिप बन जाए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। लेकिन बात यह आती है कि अगर उनके दिमाग में किसी चीज़ को लेकर एक आइडियाज़ है, उसको एग्जीक्यूशन करने की भी पूरी प्रोसेस रेडी है, लेकिन वहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ फंस जाती है पैसों से रिलेटेड, क्योंकि कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको पैसा तो चाहिए ही। बिना पैसे के आप कोई भी बिजनेस को यहाँ पर ना शुरुआत कर सकते हो ना कोई भी उसको जो है ग्रो कर सकते हो, क्योंकि थोड़ी बहुत तो इनिशियल फंडिंग लगती ही लगती है, उसके बाद तो आप कर ही सकते हो। तो यहाँ पे इस टाइप के जो है बिजनेस को प्रमोट करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए बैंक्स आपको क्या पैसा दे सकती है, तो शुरुआती टाइम पे नहीं देगी, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली कहूँ तो हाँ दे भी देगी। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आपने MSME लोन्स के बारे में सुना होगा, जो कि प्रधानमंत्री की कुछ योजनाएँ होती हैं MSME स्कीम्स के आप लोग कहते हो या फिर योजना स्कीम्स जो भी कहते हो, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ से जो है स्कीम्स के तहत बिजनेस लोन मिल जाएगा। जैसे कि आप जो भी टाइप का काम करना चाहते हो उससे रिलेटेड आपको मुद्रा योजना या फिर उससे रिलेटेड शिशु योजना, किशोर योजना और तरुण योजना, काफ़ी सारी योजना यहाँ पे प्रधानमंत्री के स्कीम्स के अकॉर्डिंग आती है। बस डिपेंड ये करता है कि आप एलिजिबल होनी चाहिए, आपका इनकम जो सोर्स है वो उतना एलिजिबल होना चाहिए और बहुत बस डॉक्यूमेंट्स वगैरह एलिजिबल होनी चाहिए, डैट सेट। तो आज हम किस बैंक से जो है बिजनेस लोन अप्लाई करने वाले हैं, तो उस बैंक का नाम है कैनरा बैंक। और कैनरा बैंक से आप लोग कैसे ले सकते हो बिजनेस लोन को, वो आप इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हो। जिनका अकाउंट कैनरा बैंक में है वो डेफिनेटली इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको लोन लेना है तो देखेंगे ही। बट जिनका अकाउंट नहीं है उनको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप दोनों ही कस्टमर बेसिस के लिए मैं ये वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ। जिनका अकाउंट नहीं भी है, न्यू यूजर कस्टमर बेसिस के लिए भी वीडियो क्रिएट की जा रही है, और जिनका अकाउंट है वो तो डेफिनेटली वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी तीनों काम कर सकते हो, आपका एक सेकंड भी नहीं जाएगा, लेकिन इससे हमें फीडबैक मिल जाएगा हमारी वीडियोस के बारे में कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो अभी ये तीनों काम कर दो, साथ ही मैं नीचे कमेंट बॉक्स पे आके यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले पूरा नाम, किस जगह से वीडियोज़ वॉच कर रहे हो एंड लोन लेने का एग्जैक्ट रीज़न क्या है कॉमेंट्स में लिख के हमें बता देना है। स्टेप्स की जो कि आपको फॉलो करना होगा, तो स्टेप्स की बात करें तो ये मेन वीडियो है जो कि मोबाइल स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो, एंड वीडियो के जस्ट नीचे ये जो है टाइटल होता है आप लोगों ने सबसे पहले इस टाइटल पे क्लिक करना है। टाइटल पे क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, जहाँ पे थोड़ा सा ऊपर बढ़ना है और यहाँ देखने को मिलती है वेबसाइट लिंक, जिसको मैंने फिलहाल यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है। वेबसाइट लिंक भी आप लोग किसी भी एक वेबसाइट लिंक पे क्लिक कर सकते हो, आपकी चॉइस है। वेबसाइट लिंक पे क्लिक करोगे लिंक ऑटोमेटिक गूगल के वेब ब्राउजर से रीडायरेक्ट कर जाएगी, जिससे आप लोगों के सामने गूगल का सर्च रिजल्ट शो करेगा। जहाँ पे आपको जो फर्स्ट वेबसाइट देखने को मिल रही है loanpower.in की, सिंपली आप लोगों ने इस वेबसाइट पर टैप करना है। इसका रीजन मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, क्योंकि आपको MSME लोन्स की अगर मैं बात करता हूं या फिर बात करता हूं बिजनेस लोन की, तो यहां पे आपको पूरी चीज समझने के लिए और पूरे इंफॉर्मेशन की आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तभी जाके आप लोन को अप्लाई कर सकते हो। काफी बार आपने देखा होगा कि एक छोटी सी गलती और आपका लोन एग्जैक्टली रिजेक्टेड, तो ये चीज आपको नहीं देखने को मिलनी चाहिए। इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन का होना जरूरी है, और आपको लोन अप्लाई करने के लिए जो लिंक चाहिए वो लिंक भी यहां पे आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो सिंपली आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना है। और इसी के साथ मैं यहां पे दूसरा केस समझा देता हूं कि हो सकता है कि जैसे आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो आप सीधा ही वेबसाइट पे पहुंच जाओगे loanpower.in की साइट पे। तो अगर वेबसाइट पे पहुंच जाते हो तो फिर और भी ज्यादा अच्छी बात है। सेकंड मेथड की हम लोग बात करें तो आपके फोन में जो भी कोई ब्राउजर है उसको सिंपली ओपन कर लेना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रोम ब्राउजर। जैसे ही ब्राउजर को ओपन करोगे गूगल का वेब सर्च इंटरफेस खुल जाएगा, जहां पे गूगल का जो सर्च बार होता है आपको सिंपली जो है इस पे क्लिक करना है। इसके बाद मैं जो यहां पे आपको कीवर्ड बता रहा हूं, इस कीवर्ड को जाकर के आप लोगों ने सिंपली सर्च करना है, जो कि है loanpower.in। तो गूगल के वेब ब्राउजर पर जैसे ही आप लोग इस कीवर्ड को सर्च करोगे, आप लोगों के सामने गूगल का सर्च रिजल्ट आ जाएगा, जो कि मोबाइल स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो। एक बार ही मैं आपको एक्जैक्टली जूम करके दिखा दूँ तो आप लोग ध्यान से देख सकते हो, मैंने लिखा है loanpower.in। इसको मैंने जिस तरीके से लिखा हुआ है ना, आप लोगों ने भी एक्जैक्टली यही कीवर्ड सर्च करना है। और ध्यान रहे, इस कीवर्ड को लिखने में बिल्कुल गलती मत करना, वरना हो सकता है कि आप लोग किसी ना किसी गलत प्लेटफॉर्म पे भी पहुंच जाओ। loanpower.in एक्जैक्टली सर्च करने के बाद जहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है, सिंपली आपको इस वेबसाइट पे कर देना है क्लिक। तो जैसे ही आप लोग वेबसाइट पर क्लिक कर दोगे, थोड़ा सा आपको वेट करना है, जैसे हमारे सामने वेबसाइट हमारी ओपन हो जाती है loanpower.in की, और वेबसाइट का मेन इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब जैसे ही वेबसाइट का मेन इंटरफेस यानी वेबसाइट का मेन होम पेज खुल के आ जाए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे यहाँ पे आपको लोन्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर ईजिली देख सकते हो, ठीक है। और अलग अलग फाइनेंस प्लेटफॉर्म के हैं, बैंक से भी रिलेटेड हैं और नॉन बैंकिंग भी है, कुछ प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं, तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो कम टू द टॉपिक, कैनरा बैंक से बिजनेस लोन कैसे मिलेगा। तो लेफ्ट साइड में जो मेन्यू बार है आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर आपको क्लिक करने के साथ ही काफ़ी सारे
अलग अलग लोन्स के ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से यहाँ पे जो बैंक लोन का ऑप्शन मिलेगा इस पे आपको पहले तो क्लिक करना है। अब जैसे बैंक लोन के ऑप्शन में क्लिक करोगे, बैंकिंग रिलेटेड आप लोगों के सामने आर्टिकल जस्ट और जस्ट शो हो जाएंगे। अब बैंकिंग रिलेटेड आर्टिकल शो होंगे तो ये बात भी आप लोगों को जाननी जरूरी है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कैनरा बैंक नहीं है, कैनरा बैंक के अलावा बहुत सारे बैंक जो इंडिया में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, और ऐसे में आपको जो है पर्टिकुलरली फाइंड करना पड़ेगा कैनरा बैंक को और कैनरा बैंक के बिजनेस लोन को। तो क्या करना है, राइट साइड में सर्च बार है जहाँ पे क्लिक करते ही आप लोगों ने सिंपली कीवर्ड सर्च करना है कैनरा बैंक। तो आप लोगों ने सबसे पहले डालना है कैनरा बैंक, और इसके वजह से आप डाल के सिंपली सर्च कर दोगे, जस्ट वेट, और आप लोगों के सामने जैसे अब जो है कैनरा बैंक से रिलेटेड ही आर्टिकल्स आएंगे। जैसे कि पहला आर्टिकल है कैनरा बैंक पर्सनल लोन, सेकंड इज होम लोन, थर्ड इज कैनरा बैंक से आप लोग बिजनेस लोन कैसे लोगे और कैसे अप्लाई करोगे। तो सिंपली आप लोगों के सामने जब ये आर्टिकल आ जाए तो सिंपली आपको क्या करना है, इस आर्टिकल पर क्लिक करना है। आर्टिकल पर क्लिक करोगे आपका आर्टिकल ओपन होगा, जानकारी मिलेगा कैनरा बैंक बिजनेस लोन एग्जैक्टली क्या है, कैनरा बैंक से बिजनेस लोन कैसे अप्लाई किया जा सकता है और कैसे लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप लोगों के सामने देखने को मिल जाएगी जो कि आप लोगों के सामने मोबाइल स्क्रीन पर अवेलेबल है। अब यहाँ पे बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं लोगों के माइंड में कि कैनरा बैंक से जब भी हम लोग लोन अप्लाई करते हैं तो यहाँ जो लोन हम लोग अप्लाई करेंगे हमें लोन कितना मिलेगा, कितने दिनों के लिए मिलेगा और कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट में मिलेगा। ये तो वो सवाल है जो कि हर कोई कस्टमर बेसिस पे पूछता है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल के जवाब जो आपको जानने जरूरी है लेकिन आप लोगों को कभी नहीं पूछते, जैसे कि एलिजिबिलिटी, लोन लेने की आपकी योग्यता क्या है, प्रोसेसिंग फीस लगेगा क्या नहीं, अगर आप कोई भी लोन लेते हो हिडन चार्जेस तो नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को फेस करते हैं, डॉक्यूमेंट्स आखिर कौन कौन से चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको बनाने का वक्त मिल जाएगा उससे, साथ ही में अप्लाई करने का क्या तरीका है, हालांकि अप्लाई करने का तरीका मैं प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं, लेकिन तब भी आपको लिखित में चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो है आपकी सारी भाषाओं में अवेलेबल है, जस्ट इंग्लिश नहीं, जस्ट हिंदी नहीं, क्षेत्रीय भाषा में तमिल, तेलुगु, हिंदी, पंजाबी, ओरियो सभी में अवेलेबल है। तो आप इसको रीड करके पढ़ के लोन अप्लाई कर सकते हो। कम टू द टॉपिक कि कैनरा बैंक से बिजनेस लोन अप्लाई करने के लिए लिंक कहाँ है, तो ये जो आपको अप्लाई नाउ की लिंक मिल रही है इस लिंक पे आपको कर देना है क्लिक। तो जैसे ही आप लोग अप्लाई नाउ की लिंक पे सिंपली क्लिक कर दोगे आपके सामने खुल के आ जाएगा कैनरा बैंक का ऑफिशियल MSME बैंकिंग सिस्टम, जो कि इसका मोबाइल स्क्रीन पे जो है देख सकते हो। और इसके लिए जो है ऑफिशियली जो है कैनरा MSME ही निकाल दिया गया है कि आप लोगों को जो भी MSME लोन्स लेने वो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे सबसे पहले बात आती है MSME लोन से रिलेटेड जो चीज़ें देखने को मिल जाएगी, पॉलिसी है और काफ़ी सारी यहाँ पे चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, फॉर्म्स एंड एप्लीकेशन है, और आप लोग ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन बात यहाँ पे सबसे पहले ये आती है कि जिनका अकाउंट है और जिनका अकाउंट नहीं है उनको क्या करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बताना चाहता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट लैंग्वेज की चीज़ें यहाँ आपको जाना है, और सिंपली यहां पे क्या करना है, ऐसे होम पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के साथ ही यहां पे आपको मिलनी तो चाहिए वैसे, खैर हम लोग जो है अभी लॉगिन वाला पोर्टल छोड़ देते हैं, लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ आपका अकाउंट ज़रूर होना चाहिए, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो रजिस्टर कीजिए ऑनलाइन, और टेम्प्रेरी अकाउंट वो बनेगा, परमानेंट के लिए आपको कैनरा बैंक के ब्रांच पे विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि बिना अकाउंट के लोन नहीं ले पाओगे, ये चीज़ आपको समझने की जरूरत है। तो वापस आते हैं कम टू द टॉपिक, तो बात करते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स और स्कीम्स की। तो यहाँ पे जो आपको सेकंड ऑप्शन मिल रहा है इस पे आप लोग क्लिक करते हो, क्लिक करने के साथ ही काफ़ी सारे यहाँ पे आपको लोन्स के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज़, क्लस्टर स्पेसिफिक सब्सिडी लिंक स्कीम्स, और काफ़ी सारे यहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाते हैं। इसी तरीके सर्विसेज पे क्लिक करोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी है। तो फॉर्म्स एंड एप्लीकेशन पे जाते हैं, और इसके बाद जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एप्लीकेशन टू द फॉर्म एंड टू माइक्रो एंड सैनी MSME जो हमें चाहिए ये वाला, क्योंकि हमें जो है शुरुआती तौर पे जो है स्मॉल बिजनेस लोन से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। तो चौथे वाले ऑप्शन पे आप लोगों ने क्लिक करना है, अब क्लिक करोगे जस्ट आपको वेट एंड वॉच, इसके बाद जो है आप लोगों के सामने जो है यहाँ पे फॉर्म्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जस्ट आपको वेट करना है, और एक बार हम क्लिक कर लेते हैं हमें सिंपली जो है हमारे सामने खुल के आ जाएगा। तो ये देख सकते हो हमारे सामने कैनरा बैंक का ऑफिशियल फॉर्म आ चुका है, जो कि जैसे आप लोग क्लिक करोगे आ जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर लोन्स टू माइक्रो स्मॉल्स एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSMEs। ये जो लोन है वो आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की स्कीम्स के तहत ही दिया जाएगा। यहाँ पे आपको बताना होगा कि यहाँ पे आपको लोन क्यों चाहिए, किस टाइप के बिजनेस आप लोग करने वाले हो, क्यों चाहिए, और इसी के साथ में बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी आपको देना होगा। यहाँ पे आपको बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर का नाम है या फिर जो भी इसको धंधे को या फिर व्यापार को बढ़ाना चाहता है, व्यापार में काम करने वाला है, उस सारी चीज़ को यहाँ पे देना पड़ेगा। और जो 20 पेज का PDF फॉर्मेट है इसको को पूरा प्रिंट आउट मोड में निकलवाना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी सारी जो है इन्फॉर्मेशन दी गई है, और यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह की चीज़ें हैं वो यहाँ पे खुद ही दे दी जाएगी कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपके पास कौन कौन से एलिजिबल होनी चाहिए, कुछ यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन भी, चेकलिस्ट भी फॉलो करनी होगी जो कि यहाँ पे गिवन है। तो आप इसको पूरा डिटेल में पढ़े, और जिनको इंग्लिश में चाहिए वो इंग्लिश में ले सकते हैं, जिसको हिंदी में चाहिए वो हिंदी में ले सकता है। सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी कैनरा बैंक से MSME लोन्स और बिजनेस लोन अप्लाई करने के लिए। इस वीडियो में बताए जाने वाले सारे स्टेप्स अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप लोग कोई भी सवाल है जो नीचे कमेंट से पूछते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके फॉर कोई सवाल पूछते हैं, एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय।